अज साडा विषय है जी कुछ प्रमुख सीमा रेखावां दे नाम बाउंड्री लाइन। किस नाम की सीमा रेखा किहड़े दो देशां दे विचकार सरहद दा कम करदी है? सब तो पहला साडे कोल जिहड़ी सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमाहन लाइन। ये मैकमाहन लाइन भारत ते चीन दे दरमियान सरहद दा कम करदी है। 1913-14 ईस्वी के लगभग शिमला सम्मेलन तो बाद ये रेखा होंद दे विच आई सी। चीन की गल करिए तां चीन का कहना यह है कि उसनू हनेरे विच रख्या गया सी, गुप्त मीटिंगां कीतियां गईयां सी, उसनू इस रेखा नाल संबंधित कुछ भी पता ही नहीं, साफ साफ वो मुकर जांदा इस रेखा तो। इस रेखा नाल संबंधित जेकर आपां होर चर्चा करनी होवे तां सब तो पहला आ जांदे आ साडे नक्शे। सानू जिहड़े प्रमाणिक साडियां पाठ पुस्तकां दे विच सरकार वल्लों प्रमाणिक नक्शे हुंदे आ उहनां नू आपां ध्यान विच रखणा हुंदा। गूगल दे उपर नैट दे उपर बहुत सारे नक्शे अजिहे आ, होर देशां दे वी जिहड़े चीन दे नाल हद लगदी आ, इसने होर देशों की जिहड़ी जगह उसनू भी अपने नक्शों के विच दिखाया होया। भारत ते चीन का जिहड़ा बार्डर उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा, कुछ हिस्से नू किसी होर नाम नाल जाणिया जाता, कुछ हिस्से नू किसी होर नाम नाल जाणिया जाता। जिहड़ी ये मैकमाहन रेखा ये आ जाती है अरुणाचल प्रदेश वाले पास। इस रेखा नाल संबंधित होर जानकारी दे विच आपां कर सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है 550 मील है, 550 मील, मील वड्डा हुंदा किलोमीटर तो, किलोमीटर दे विच 885 किलोमीटर ये रेखा की लंबाई है। होर जरूरी गल खास करके 9वीं 10वीं जमात के विद्यार्थियों जेकर तुसी ये प्रश्न पाना भी होवे तां उत्थे ऑप्शन दे देना मनमोहन सिंह, तां विद्यार्थी ज़्यादातर जिन्होंने ये नहीं पढ़िया हुंदा वो संबंधित कर देंगे इसनों मनमोहन सिंह दे नाल। कई बार लिखा भी आ जाता मैकमोहन रेखा। देखो मनमोहन सिंह दे नाल कुछ भी संबंधित नहीं इस रेखा दे विच, अंग्रेज़ का नाम सी हैनरी मैकमाहन, उस दे नाम ते इस रेखा का नाम है। चाइना की गल करिए चाइना ने साडा पंजाब का खेत्रफल लै लीए तो इस नाल थोड़ा जिहा घट खेत्र है जिहड़ा वो अपने कब्जे हेठ किया होया, तिब्बत नू भी वो अपना ही हिस्सा जिहड़ा बोलता आ रहा, ठीक है। तो इस रेखा तो भी बिल्कुल वह मुकरिया होया, इस रेखा वो नहीं मनता, ध्यान में रखना इस रेखा नाल संबंधित जानकारी। इस तो बाद आ जाती है सब तो प्रसिद्ध रेखा रैड क्लिफ रेखा। रैड क्लिफ लाइन है जो ये कहा जाता कि साडे भारतीयों के खून के नाल खिंची हुई रेखा है। जो साडे देश ने आज़ाद होना सी इंग्लैंड दे विचों एक वकील बुलाया गया ये वंड करन दे लई, जिसका नाम सी सीरल रैड क्लिफ, उसके नाम से इस रेखा का नाम पिया होया। भारत की आज़ादी तो पहला ही उसनू बुलाया गया सी, कुछ हफ्तियां दा समा सी, समा बहुत घट दिता गया सी उसनू वंड करन दे लई, पैसा बहुत ज़्यादा दिता गया सी। कहा जाता है कि जो उसनू पता लग्या कि लखां दी गिनती विच लोग बेघर होया, बहुत ज़्यादा खून खराबा होया, कतलेआम होया, औरतों का सब तो ज़्यादा नुकसान होया, तो वह कहा जाता कि सारे कागज़ सी जिन्ना भी उसनू पैसा सी सारे नू ही वह अग ला के वापस चला गया सी। ये रेखा पहला ही बना दिती गई सी पर यह असल दे विच जिहड़ी होंद दे विच आई है 17 अगस्त 1947 नू इसनू जिहड़ी अंतरराष्ट्री सीमा रेखा घोषित कर दिता गया सी। इस सीमा रेखा नू तुसी देख सकते हो, इधर साडा भारत आ गया, उत्ते आ गया पाकिस्तान। इस रेखा दे नाल संबंधित होर जानकारी आपां नू मिलदी है 3310 किलोमीटर इस रेखा की लंबाई मिलती है, 3323 किलोमीटर भी मिलती है। उत्थे तुसी ध्यान दे नाल कर लेना कोई एक ऑप्शन इन्हां विच्चों होवेगी, 3300 दे लगभग किलोमीटर इस रेखा की जिहड़ी लंबाई है। इस तो बाद साडे कोल जिहड़ी रेखा आ जाती है 38th पैरलल 38वीं समानांतर जिहड़ी रेखा, ये उत्तरी कोरिया ते दक्षणी कोरिया दे विचकार सीमा रेखा दा कम करती है। उपर आ गया नॉर्थ कोरिया, ये कोरिया किम योंग वाला कोरिया। इस दे नीचे आ जाता है साउथ कोरिया, काफ़ी शांत देश है। उपरले देश बारे भी जेकर आप देखना हो जिनी बुराई इस देश की कई बार दिखाई जाती है, इस तो बिना कई चंगे पक्ष भी है इस देश दे विच। आपां भी देखते हैं तानाशाह जिहड़े राजे हुंदे सी उन्हां कई राजां दा राज आ जिहड़ा चंगा भी हुंदा सी, सजावां सख्त है, दोने देश कोल कोल आ पर इन्हां दे विच फर्क है जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा। उपरला किम जोंग वाला नॉर्थ कोरिया जिहड़ा, इस नाल संबंधित करंट अफेयर विच भी कोई ना कोई प्रश्न तुहानू आ सकदा है। इस तो बाद साडे कोल रेखा है 4 नंबर 17th पैरलल 17वीं समान अंतर रेखा, उत्तरी वियतनाम ते दक्षणी वियतनाम दे विचकार ये सीमा रेखा जिहड़ी सरहद दा कम करदी सी। हुण ये दोवें देश आ जिहड़े इन्हां दा एकीकरण हो चुक्या, इकट्ठे हो चुके आ। उपर है
नॉर्थ वियतनाम ते नीचे है साउथ वियतनाम। वियतनाम काफ़ी गरीब देशों के विच आ जाता है, पहले तीन चार गरीब देशों के विचकार इसका नाम आ जाता है, काफ़ी गरीबी है इतने। वियतनाम के उपर राज रहा सी फ्रांस का 1945 इन्हों आज़ादी मिली सी लगभग 1945, तो 1954 तो 75 तक ये अलग अलग भी रहे। इस तो बाद फिर इसका जो एकीकरण हो गया सी। याद रखना इतने तुम्हें याद रखना जी 17वीं समान अंतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम ते दक्षणी वियतनाम के विचकार सरहद का काम करती है। इस तो बाद साढ़े को आ जाती है रेखा डोरंड लाइन। डोरंड जी लाइन है ये पहला भारत ते अफगानिस्तान के विचकार सरहद का काम करती सी। आज़ादी तो बाद वंड तो बाद हुण ये पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के विचकार सीमा रेखा का काम करती है। 1896 लिखिया मिलता है, वैसे इस जी ये रेखा ये 1893 दे विच होंद दे विच आई सी सब तो पहला 1893, पर यह रेखा जी एक बार दे विच ही नहीं बनी, कुछ ऐसे अलग अलग संधियां नाल बने हैं। साडा जिहड़ा पंजाब 1849 दे विच अंग्रेजी साम्राज्य दे विच मिलाया गया, इस तो बाद फिर अंग्रेजों का वाह पैंदा अफगानिस्तान दे नाल, एगलो अफगान युद्ध होया जिहड़े, इस तो बाद फिर संधियां होईयां। संधियां तो बाद फिर जिहड़ी संधि होई सी 1919 दे विच जिहड़ी ये मौजूदा लाइन है ड्रॉन्ड लाइन है, यह नतीजा है 1919 वाली संधि का, इसनों याद रखना। जिहड़ी ये ड्रॉन्ड लाइन है ना, इसकी लंबाई देख लवो, ये 2430 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। इस तो बाद साढ़े कोल 6 नंबर ते रेखा आ जाती है 49th पैरलर रेखा, 49वीं समान अंतर रेखा, जिहड़ी ये 49 नंबर समान अंतर रेखा है। ये रेखा हैगी है ए वाली रेखा, देख लवो अमरीका ते कनेडा का जिहड़ा बार्डर है, ये जिहड़े बार्डर है इत्थे देखो किन्नी शांति है। साडे देश नूं बहुत सारा खर्चा आर्मी उपर इन्हां सरहदां दी राखी उपर ही करना पैंदा, ये लोग आ जिहड़े बड़े समझदार आपां इन्हां नूं लोग कह सकते हैं। वैसे ही बस इस तरह की सरहद है इन्हां दी, किसी की दुकान विच दी लंघ रही है, किसी के घर विच दी लंघ रही है, कुर्सी का एक पासा अमरीका विच है, एक पासा कनेडा विच है। यह है 49 नंबर समान अंतर रेखा, 49th पैरलर रेखा। इस तो बाद देखो ये रेखा आ जाती है भारत ते श्रीलंका के विचकार, एक काल्पनिक समुद्री रेखा, इसका कोई भी नाम नहीं, ठीक है। भारत ते श्रीलंका के विचकार जिहड़ी यह काल्पनिक समुद्री रेखा, इसके कुछ पॉइंट मिलते हैं जिन्हां दे विचकार चार आपां मुख पॉइंट करते हैं, पाक जल डमरू, राम सेतु, मनार की खाड़ी ते लक्षद्वीप सागर। इस तरह ये कुछ एक बिंदु है, ये काल्पनिक रेखा पानी दे विच वैसे ही मिथ ली गई है, इस करके ही बहुत सारे जिहड़े मछियां फड़न वाले एक दूजे देशों के जिहड़े फड़ ले जाते हैं, उन्होंने पता नहीं लगता कुछ भी, वैसे ही ये पानी दे विच जदों जाते हैं तो दूसरे जिहड़े लोग आ उसनूं गिरफ़्तार करके अपनियां जेलों में सट देंदे आ, तो पता उत्थे नहीं चलता पानी दे विच कित्थों तक जिहड़ा इह इलाका मन्निया होया। इत्थे पाक जिहड़ी जल संधि होई सी पाक जल डमरू, ये देखना ये श्रीलंका नाल संबंधित है, पाकिस्तान ना करना गलती नाल। इस तो बाद है साडा नेपाल दे नाल सीमा रेखा, जो नेपाल है इसकी भी सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, कोई खास नाम नहीं, वैसे ही कुछ कुछ बार्डर है वो बार्डर के नाम लए जाते हैं। सब तो जिहड़ा प्रसिद्ध बार्डर आ जाता सोनाली बार्डर आ जाता, जिथे लिखा मिलता कि भारत की जिहड़ी हद है इत्थे समाप्त होंदी, इस तो बाद फिर नेपाल शुरू हो जाता सोनाली बार्डर ते, इस नूं सोनाली का नाम ही दे दिता जाता, तो जिहड़ा सोनाली है ये भारत के विच है। इन्हां नूं 8 ही अज आपां रेखावां करनियां सी। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी।